प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर सचिवालय संघ ने सवाल उठाया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि निर्धारित समय के पहले ही प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया जा रहा है। अधिकारियों को बताना चाहिए कि आखिर वे अपने प्रमोशन के लिए नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन निर्धारित समय के पहले ही कर दिया गया है, जबकि आईएएस सर्विस के मैनुअल के मुताबिक निर्धारित वक्त पर प्रमोशन होना चाहिए। सचिवालय संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे कि आखिर अधिकारियों का प्रमोशन निर्धारित वक्त से पहले क्यों किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। देखिए, मैं ये जानता मानता हूं कि अखिल भारतीय सेवा के जो भी अधिकारी हैं उनका इस पूरे सिस्टम में एक गहरी पकड़ है, और पकड़ रहते हुए चाहे वो आईएफएस कैडर में हो, चाहे आईपीएस कैडर हो, चाहे आईएएस संवर्ग में हो, हर विभाग में ड्यू टाइम से पहले जो 1 जनवरी की सरकारी सेवा अवधि की कट ऑफ डेट है, उस ड्यू डेट से पहले नवंबर में दिसंबर में फाइलें पका ली जाती हैं, फाइलों को बिल्कुल रेडी कर लिया जाता है, और अपने फायदे देखते हुए 31 दिसंबर को एनी हाउ ये ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी बेचारे 2-3 साल तक अपने प्रमोशन के लिए बाट जोते रहते हैं। आप शिक्षा विभाग को देखिए, आप शिक्षा विभाग के टीचर्स हमारे जो है पिछले 3-4 साल से अपने प्रमोशन के लिए मर रहे हैं, तो क्या हमारे इन अधिकारियों का ध्यान उन शिक्षकों की तरफ जाता है जो दूर दराज के विद्यालयों में जाके हमारे बच्चों को अध्यापन का कार्य कराते हैं? क्या उनकी तरफ भी इनका ध्यान जाता है जो लोग रात दिन हड़तालें करते हैं अपने प्रमोशन के लेके, अपने एसीपी को लेके? इन अधिकारियों ने इस उत्तराखंड राज्य को अपने हिसाब से चलाने का काम किया है, और आज हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों की थोड़ा नकेल कसी जाए।